सी यू एट द टॉप, इस किताब की थीम है हाउ टू अचीव मैक्सिमम पोटेंशियल। यह बुक हेल्दी सेल्फ इमेज की वैल्यूज बताती है दोस्तों। यह अपने रीडर्स को सफल होने के लिए कुछ नेसेसरी स्पेसिफिक कदम देती है। यह बहुत डिटेल में हर स्टेप को एक्सप्लेन करती है। यह उन लोगों की सफलता और विफलता की कई कहानियां भी प्रोवाइड करती है जिन्होंने इस बुक की एडवाइस पर फोकस किया और अपने मन चाहे गोल्स की ओर कदम बढ़ाए। ज़िग ज़िगलर एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर थे और बेस्ट सेलिंग ऑथर थे। सी यू एट द टॉप, शॉर्टकट नहीं, कंटिन्यूस एफर्ट्स पर ध्यान दें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग हमें सक्सेस पाने के लिए डिजाइन किया गया है और सफलता को पाने के लिए हम में प्रोस्पैरिटी यानी समृद्धि और महानता के बीज भी डाले गए हैं। ज़िग ज़िगलर का मानना है कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बस के लिए हमें दूसरे लोगों को उन गोल्स को पाने में मदद करने की जरूरत है जो वो अचीव करना चाहते हैं। इस बुक को कई बेहतरीन कहानियों के थ्रू बहुत चतुराई के साथ लिखा गया है दोस्तों। उदाहरण के लिए इस बुक में ऑथर ने एक बंद पड़ी लिफ्ट के साइड से ऊपर जा रही स्टेयर्स का एग्जाम्पल देते हुए जीवन में शॉर्टकट ना ढूंढते हुए लगातार एफर्ट्स करके आगे बढ़ते रहने की एडवाइस दी है। इसके पीछे आइडिया ये है कि हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम हमें एक खुशियों भरी और पर्पसफुल लाइफ के अल्टीमेट गोल के करीब लेकर जाता है। यदि हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमें किसी की मदद का इंतजार करने की जगह खुद पर अधिक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारे गोल्स स्पेसिफिक और क्लियर नहीं होते हैं जब तक हम अपने भीतर मौजूद पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल तक यूज नहीं कर पाएंगे। टॉप तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ऑथर बताते हैं कि स्टेबल सक्सेस कभी भी एकदम से नहीं मिलती है। हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पहले अपने गोल सेट करने होते हैं, दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत कराना होता है और हेल्दी सेल्फ इमेज बनाने जैसी चीजें शामिल करनी होती है। सफलता के लिए एक एक करके हमें 6 अलग अलग स्टेप्स लेने में एक्सपर्टाइज हासिल करनी होती है और उन्हें अपनी सिचुएशन में अप्लाई करके हम अपने जीवन में अनबिलीवेबल पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। सफलता और खुशी के 6 स्टेप्स हैं दोस्तों। पहला है पॉजिटिव सेल्फ इमेज, दूसरा दूसरों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, तीसरा है अपने गोल सेट करना, चौथा है पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, पांचवा है एक्शन लेना, छठा है पैशनेट डिजायर रखना। ऑथर ने समझाया कि लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी को आसानी से बढ़ाने के लिए और एक आसान मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए इन स्टेप्स पर काफी ध्यान देना चाहिए। इन स्टेप्स की फाड़ आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि 1970 के डेकेड में लिखी गई ये फेमस सेल्फ हेल्प बुक आज लगभग 40 साल बाद भी कई जाने माने लोगों के साथ लाखों लोगों द्वारा फॉलो की जाती है। आइए अब इन सभी स्टेप्स या प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं दोस्तों। आपकी सेल्फ इमेज आपकी सक्सेस को डिसाइड करती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आपकी सेल्फ इमेज आपकी सक्सेस को डिसाइड करती है। ऑथर ने पहले 3 स्टेप्स पर ज्यादा फोकस किया है, इसलिए इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप यानी हमारी सेल्फ इमेज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए सेल्फ इमेज के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव सेल्फ इमेज का मतलब है कि आप खुद को कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव पर्सन के रूप में देखते हैं। सेल्फ इमेज सभी दूसरे स्टेप्स को बनाने के लिए जरूरी है। इस बुक में ऑथर अपने रीडर से अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने के लिए कुछ तरीके शेयर करते हैं। ऑथर का कहना है कि ज्यादातर लोगों की सेल्फ इमेज बहुत खराब होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में हमारी वीकनेसेस को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। इस कारण हम में से ज्यादातर लोग खुद को कमजोर मानते हैं। अपनी कमजोर सेल्फ इमेज या आत्म छवि के कारण ये लोग अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाते हैं। इस बात को डिटेल में समझाते हुए ऑथर कहते हैं कि हमें खुद की पॉजिटिव इमेज बनाने की जरूरत है, वैसी इमेज जैसा हम बनना चाहते हैं, ना कि जैसा हमें हमारी सोसाइटी बनाना चाहती है। हम लोग आम तौर पर अपने समाज से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो दोस्तों, हम खुद की सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग इसको करने का सबसे इफेक्टिव तरीका सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ टॉक है। सेल्फ एनालिसिस में हमें खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। हमें खुद से पूछना होगा कि अपने लुक्स और पर्सनैलिटी के बारे में हम क्या सोचते हैं। हमें पूछना होगा कि हमें खुद पर कितना भरोसा है और हम खुद को कितना पसंद करते हैं। यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, असल में यह उतना मुश्किल होता है। सेल्फ एनालिसिस हमें खुद से मिलवाता है दोस्तों। इस पर काम करने के बाद हमें वो बातें पता लगती हैं जिन्हें सुधार कर हम और कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। यह हमें हमारी स्ट्रेंथ से भी अवेयर कराता है। दूसरी ओर, सेल्फ टॉक में हम उन बातों को कई बार बोलकर दोहराते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं।
सेल्फ टॉक हमारे सबकॉन्शियस या अवचेतन मन को मजबूत बनाती है। इसकी प्रैक्टिस करते रहने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों। पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने के लिए हम पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस की कहानियां और दूसरों की सफलता की कहानियों को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ये लिखते हैं कि आपके साथ क्या बेहतरीन है, तो आपको अपने जीवन के पॉजिटिव पार्ट के बारे में पता लगेगा। इससे आप एक बार फिर सफलता हासिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छी ड्रेस पहनकर भी दोस्तों आप आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। दूसरों की मदद करके और पॉजिटिव लोगों से मिलते रहने से और दूसरों के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाकर भी आप अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा इस किताब में लिखा है। और ये निश्चित ही सच है दोस्तों। मैं खुद एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग ट्रेनर हूँ और अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के अंदर मैं ये सारी बातें निरंतर कई सालों से अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। रिलेशंस और गोल्स आपके जीवन में खुशी और दिशा प्रोड्यूस करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। टॉप तक पहुंचने का दूसरा कदम हमारे मजबूत रिलेशनशिप्स होते हैं दोस्तों। बुक के इस पार्ट में हमें पता चलता है कि लोगों के साथ बिहेव करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं वो अक्सर हमारे रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं तो हमें अक्सर बदले में अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। यह रिसर्च में पाया गया है कि सफल लोग दूसरे लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। ज़िग ज़िग्लर ने इस स्किल को बेहतर बनाने के लिए डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नाम की किताब पढ़ने की एडवाइस दी है। ऑथर के अकॉर्डिंग यदि आप अपनी मैरिज को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको उस पर काम करना होगा। उनके अकॉर्डिंग एक हेल्दी मैरिड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हमारी लाइफ को सक्सेस की ओर मोड़ने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक हेल्दी मैरिज ना सिर्फ आपकी इंस्पिरेशन को प्रभावित करती है, यह आपके बिजनेस और आपकी सफलता को भी प्रभावित करती है। आप दोनों पार्टनर्स को ही अपने रिश्ते के लिए काम करने की जरूरत है और यदि आपका रिश्ता हेल्दी नहीं है तो यह आपके समग्र प्रेरणा को प्रभावित करेगा दोस्तों और अंततः आपके बिजनेस और आपकी सफलता को प्रभावित करेगा। इसका एक उदाहरण देते हुए ज़िग ज़िग्लर ने बताया कि उनका एक दोस्त अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। हर समय वह काफी चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करता था। उनसे बात करने पर ज़िग ज़िग्लर को पता चला कि वो काम की वजह से अपनी फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उनका अपनी वाइफ से रोज झगड़ा होता था और इस वजह से उनके बच्चे भी उनको पसंद नहीं करते थे। ज़िग ज़िग्लर ने बताया कि उनके इस दोस्त की तरह ही कई कपल पेरेंट्स बनने के बाद अपने रिलेशनशिप की गर्माहट को बनाए रखने में चैलेंज महसूस करते हैं, लेकिन एक दूसरे के इमोशंस और छोटी छोटी मदद करके वो अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाए रख सकते हैं। या ज़िग अपनी वाइफ के साथ अपने हेल्दी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि उनकी वाइफ उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए कैसे मोटिवेट करती है। ज़िग बताते हैं कि उनकी वाइफ उनके बिजनेस में उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर है और वो अपनी तरह की एक बेहतरीन बिजनेस वुमेन भी है। तो दोस्तों, क्या आप ये मान सकते हैं कि सर एडमंड हिलेरी एक दिन बस यूं ही चलते चलते दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए होंगे? नहीं दोस्तों, उन्होंने इसके लिए काफी प्लानिंग की होगी, कई गोल्स बनाए होंगे और फिर उस पर काम किया होगा, तब जाकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने होंगे। तो ये पॉइंट समझाता है दोस्तों कि टॉप तक पहुंचने का तीसरा स्टेप गोल सेटिंग करना है। गोल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सही डायरेक्शन में बढ़ते रहने में मदद करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने गोल्स के प्रति खुद को कमिट करना होगा। हमें उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना होगा जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं। हमें अपने आप को मेंटली तैयार करना होगा कि हम अपने गोल्स को किसी भी मुसीबत आने पर भी बीच में ना छोड़ें। गोल्स को सेट करने के लिए हमें कुछ नियमों को फॉलो करना होगा दोस्तों। इस बुक में ऑथर उन गोल्स को सेट करने की एडवाइस देते हैं जो बेहद क्लियर और मेजरेबल हों। उदाहरण के लिए, मैं अपना वेट कम कर लूंगा, ये एक अनक्लियर और इमेजरेबल गोल है। लेकिन अगर हम कहें कि मैं रोज एक घंटा जिम में एक्सरसाइज करके अपना 5 किलो वजन 3 महीने में कम कर लूंगा तो यह क्लियर और मेजरेबल गोल है दोस्तों। ऑथर गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन पर काम करने की सलाह भी देते हैं। जिस तरह उड़ान भरने वाला एक हवाई जहाज ही असली हवाई जहाज होता है, उसी तरीके से जिस गोल पर काम किया जाता है वही असली गोल होता है और वही आपको सफलता दिलाता है, आपको सफल बनाता है। हालांकि हमें लगातार अपने गोल्स को रीचेक करते रहना चाहिए। अपने गोल्स को सफलता तक पहुंचाने के लिए हमें अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाना होगा दोस्तों। फिर हमें अपने इन गोल्स को ऐसे छोटे छोटे गोल्स में बांटना होगा जो हमें लगते हैं कि हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी मेजर करें, डेली बेसिस पे अपने आप से पूछें कि आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया। बड़े गोल को छोटे छोटे गोल यानी मॉड्यूल्स में डिवाइड करें दोस्तों।
इसके बाद हमें लगातार अपने गोल्स के पूरा होने पर नजर रखनी होगी। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग समय समय पर अपने गोल्स में बदलाव भी करने होंगे। जब हम ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स यानी छोटे छोटे गोल्स पूरे करेंगे तो हमारा खुद पर भरोसा बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। एटीट्यूड और वर्क आपको दौड़ में बनाए रखते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सफलता का चौथा कदम एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया दोस्तों। एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम एक ट्रैफिक लाइट के बारे में सोचते हैं। जिस तरह हम ट्रैफिक की रेड लाइट को देखकर रुक जाते हैं, उसी तरह हमें कुछ भी सोचते समय अपने दिमाग को नेगेटिव बातों से अवॉइड करवाना चाहिए। अगर हम खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए तैयार करते हैं और किसी भी चैलेंज को फेस करने पर अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखने पर फोकस करते हैं, तो असल में हम खुद को सक्सेस के टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए तैयार कर पाएंगे। यहां यह भी जरूरी है कि हम एटीट्यूड और सेल्फ इमेज के बीच कंफ्यूज ना हो। सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, लेकिन जब हम एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बाकी दुनिया से कैसे अपना कॉन्टैक्ट करते हैं। इस पॉइंट पर ऑथर पूछते हैं कि क्या कोई भी आदमी आमतौर पर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, क्या फेलियर्स परमानेंट होते हैं या यह हमें हमेशा नीचे की ओर ले जाते हैं। आपको क्या लगता है? देखा गया है कि अक्सर हम अपनी गलती के कारण ही अधिकांश प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। हमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना व्यू पॉइंट बदलना चाहिए दोस्तों। हमें सीखना होगा कि हमें अपनी लाइफ को कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती है, असली प्रॉब्लम तो उस प्रॉब्लम से जुड़ी फीलिंग्स होती है। एक्शन लेना टॉप तक पहुंचने का पांचवा स्टेप है दोस्तों। कहा गया है कि कंफर्ट जोन हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी इसमें रहते हुए कभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं सकता है। हमें समझना होगा कि हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कोई और आकर आपके सपनों को सच करेगा, तो आप खुद से बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। कोई और आपके अपने सपनों को आपके लिए सच करने नहीं आएगा। आपको खुद बाहर जाना होगा और अपने गोल्स को प्राप्त करने के तरीकों को ढूंढना होगा दोस्तों। उदाहरण के तौर पर आप फ्रीलांसर्स या खुद का काम करने वाले प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितना मुश्किल समय का सामना किया है और इस कठिन समय में उन्हें अपने क्लाइंट्स को ढूंढने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उनसे बात करके आप जानेंगे कि वो कितनी मेहनत और पैशन के साथ इस प्रोसेस का सामना करते हैं। सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको एक्शन लेने की जरूरत होती है दोस्तों। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। एक्शन को अक्सर नेगेटिव रूप में देखा जाता है। ऑथर का कहना है कि एक्शन को सक्सेस को पाने की कीमत की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे तो इंजॉय करते हुए करना चाहिए, क्योंकि यह प्रोसेस किसी गोल पर पहुंचने की बजाय आपके सफल बनने का एक बड़ा हिस्सा बनता है। सिक्स्थ स्टेप डिजायर या इच्छा है दोस्तों। टॉप तक पहुंचने का छठा और अंतिम स्टेप हमारी डिजायर या इच्छा होती है। इच्छा सफलता के लिए इमोशनल हंगर या भावनात्मक भूख होती है। यह एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों की सक्सेस के आकार को बढ़ा देता है। आप अपने जीवन में जो भी चीज पाना चाहते हैं, उसके लिए आप में एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए दोस्तों। यह डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके मन में आए कि आप एथिकली इस डिजायर को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डिजायर इच्छा सुनने में छोटी लग सकती है दोस्तों, पर जब हम किसी काम को पूरा करने के लिए डटकर मेहनत करते हैं, तो इससे हमारा नेचुरल टैलेंट बाहर आता है दोस्तों। यदि आपके पास टैलेंट है, तो वो तब तक ही आपके लिए वास्तव में इफेक्टिव होगा जब उसे मेंटेन करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं आप। हो सकता है कि आपके पास दौड़ने का नेचुरल टैलेंट हो और आप अपने जूनियर स्कूल या हाई स्कूल में एक अच्छे एथलीट रहे हो, मगर आप ये सोचकर अपनी ट्रेनिंग रेगुलर नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप सबको हरा सकते हैं। फिर आप कॉलेज या नेशनल लेवल तक पहुंचते हैं और आपको लगता है कि बहुत से लोग आपसे भी तेज दौड़ते हैं। हो सकता है कि उनके पास जेनेटिक एडवांटेज नहीं हो, लेकिन वो प्रतिदिन 5 बजे उठते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग लेते हैं। रोजाना 5 बजे उठकर ट्रेनिंग लेना उन्हें आपसे तेज बना सकता है दोस्तों, लेकिन यह सब उनकी खुद की एक्सप्रेस करने की इच्छा के कारण होता है। तो दोस्तों, यही वो एरिया है जहां कई फ्रीलांसर फेल हो जाते हैं। वह खुद के लिए काम करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओनर बनने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वे किसी कंपनी के बेस्ट डिजाइनरों या प्रोग्रामर्स में से भी एक हो सकते हैं, लेकिन वे लगातार अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वे उस व्यक्ति के पीछे रह जाते हैं जो सिर्फ एक बर्निंग डिजायर रखने की जगह जितना पॉसिबल हो सके उतना सीखता है। एक अच्छा बिजनेस चलाने या इसके बारे में सेमिनार लेने या पढ़ने के बजाय हम कई बार बस एक अच्छा बिजनेस चलाने का सपना देखते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको किसी फील्ड में ग्रो करने की इच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी बिजनेस को बड़ा बना पाएंगे। अगर आप सच में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आपको हर दिन लगातार सीखने और सुधारने की जरूरत है दोस्तों। यह आदत आपके सफल होने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देती है।
तो अंत में इस किताब का मेन मैसेज मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं दोस्तों, यह बुक हमें स्टेप बाय स्टेप खुद को अच्छी तरीके से समझकर खुद पर विश्वास करते हुए हर गोल को अचीव करना सिखाती है। ऑथर के अकॉर्डिंग हमें शॉर्टकट की जगह खुद पर काम करना आना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर ही हम अपनी सक्सेस को लंबे समय के लिए अचीव कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इंसान थे दोस्तों ज़िग ज़िग्लर, उनकी किताबें भी इतना इंस्पायर करती हैं, लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर चुकी है। बहुत हेवी डिमांड थी सीईओ एट द टॉप की, और इस डिमांड के कारण ही हमने इस किताब को बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालते हैं और इन किताबों की समीक्षाओं को सुनते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन पर क्लिक करें। कोई भी नई किताब की समीक्षा हम अपलोड करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर इसका इंटीमेशन आ जाएगा। दोस्तों पूरे भारतवर्ष से कई लोग हमारे वॉलंटियर बनते जा रहे हैं, 15 से 20 लोग हमारे वॉलंटियर बन चुके हैं और इन किताबों की समीक्षा में हमारी मदद कराते हैं, स्क्रिप्टिंग में मदद करा सकते हैं आप, किताबें पढ़ के उनकी समीक्षाएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उनको प्रूफ रीड करके देखेंगे क्या वो जन जन के लिए लाभकारी हैं, तो हम जरूर उस पर एक अच्छी समरी बनाएंगे। दोस्तों यदि आप भी हमारे वॉलंटियर बनना चाहें तो 9829644744 पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि कितनी अच्छी मुहिम किताबी कीड़े टीम ने छेड़ी है। 2018 के अंदर 365 दिन के अंदर 365 किताबों की समरीज आप तक पहुंचाने की मुहिम है दोस्तों ये, और ये सिर्फ आपके सहयोग से पॉसिबल है। तन मन धन किसी भी प्रकार से आप हमारे को सहयोग दे सकते हैं। अगर आपका मन बहुत जुड़ा हुआ है इन किताबों की समीक्षा से तो आप गुरु दक्षिणा में हमें कुछ जरूर दीजिए दोस्तों, हम भीख मांगेंगे, क्योंकि भीख सेवा के लिए बहुत जरूरी है। हम स्वार्थी नहीं है, हम खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम यही भीख मांगते हैं कि भाई जन जन तक इस बात को तो पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन किताबों की समीक्षाओं को शेयर जरूर करिए। दोस्तों लोगों को बताइए, कोई भी अगर हमारी मदद करना चाहे तो खुले दिल से आए और हमारी मदद करें। मैं फिर से तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।